स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये कल शुरू हो गया था। कल हमने अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। इसके अतिरिक्त हमने जापान के संविधान के बारे में भी अध्ययन किया था। तो 1947 में जापान संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में क्या कहा गया है? हम जापान के लोग हमेशा के लिए, हम जापान के लोग, वी द पीपुल ऑफ जापान, हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं, और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण रखने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं, और हम जापान के लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण रखने वाले, मानवीय रिश्तों पर नियंत्रण रखने वाले जो उच्च आदर्श हैं, जो उच्चतम मूल्य हैं, उनके प्रति सचेत हैं। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान का जो दर्शन है वो शांति पर आधारित है, पीस पर आधारित है। तो कल हमने हमारा जो अध्याय शुरू किया था संविधान का राजनीतिक दर्शन, कल हमने अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यकवाद और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। तो जापान के संविधान के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया बेटा? न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी या बल प्रयोग से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और सुसंगत कानूनी व्यवस्था पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग ईमानदारी से राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हमेशा शांति, बातचीत और मध्यस्थता के रास्ते से सुलझाने का प्रयास करेंगे, और युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी, बल प्रयोग, किसी प्रकार का आक्रमण से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहेंगे। उपयुक्त अनुच्छेदों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। तो उपयुक्त अनुच्छेदों के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान रखा गया बेटा कि जापान कभी भी अपनी स्थल सेना, अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और युद्ध में काम आने वाले साजो सामान, युद्ध में विभीषिका के लिए जिम्मेदार साजो सामान का कभी भी निर्माण नहीं करेगा, और न ही ऐसे विध्वंसक हथियार अपने पास रखेगा जिससे दुनिया की शांति को, दुनिया की व्यवस्था को, दुनिया में किसी प्रकार का व्यवस्था को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। तो इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं की सोच पर छाई रहती है। तो जैसा आपने बताया कि संविधान, इसका बात पर ध्यान रखा गया था कि जापान है वो कभी भी सैन्य सामान न तो बनाएगा और न ही सैन्य सामान रखेगा। तो भले ही इसमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो, चाहे संविधान निर्माताओं ने तर्क कितने भी कच्चे हो और अनपढ़ क्यों न हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। तो हमें भी भले ही
चाहे संविधान निर्माताओं ने तरह कितने भी कच्चे हो, अनपढ़ क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान में अंतर्निहित नैतिक मूल्यों को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है, ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था को बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक तर्क की कसौटी पर खरा पाएं, उनको जांच सकें। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। यह बात एकदम स्पष्ट है कि आज संविधान के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, नैतिकता है, उनको चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान के सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर लेना नहीं दिया जाना चाहिए। इन आदर्शों को संविधान के सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इस पर बार बार अदालतों ने जी रहे होती, और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग है। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल, विश्वविद्यालय में विचार विमर्श होता है, तो इनमें इन पर जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, इनके ऊपर दो विधायिका है जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, राजनीतिक दल है, मीडिया है, स्कूल है, व्याख्यान है, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उनमें बहस विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक शुद्ध स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई समस्या है, कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती है, तो कई बार क्या होती है, जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो एक ही आदर्श को अपने अपने ढंग से अलग अलग स्वरूपों में निरूपित करती है। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम नहीं, नैत सही, परंतु हैसियत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तरीके से संविधान अभिलेख है, एक लेख है, एक तरीके से नजीर है, जिसमें मूल्य और आदर्श समाहित है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या, सबकी व्याख्या अलग अलग ढंग से होती है। तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है, कौन सी गलत है। तो जांच प्रक में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि हमारा संविधान है वो कभी कभी विभिन्न संस्थाओं एक ही आदर्श की व्याख्या अपने अलग अलग ढंग से करते हैं। विभिन्न संस्थाएं वो अपने अपने ढंग से आदर्शों को निरूपित करती है, उनकी व्याख्या करती है, उनके सीमाओं का विस्तार करती है, और हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में न तो परम है न सही है, परंतु हैसियत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मूल्य या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है, और ये जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। तो इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभाता है। हमारा संविधान एक पंच परमेश्वर की भूमिका को स्पष्ट रूप से सही ढंग से निरूपित करता है। तो जैसा कि हमारा अध्याय नंबर एक था, उसमें हमने संविधान लोकतांत्रिक बदलाव के साधन के बारे में पढ़ा था बेटा। पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा था। इस बात की व्यापक सहमति एक संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है कि सत्ता को निरंकुश होने से रोकना, सत्ता की निरंकुशता पर रोक लगाना, सत्ता की निरंकुश होने पर रोक लगाना या सत्ता की निरंकुशता को रोकना। तो हमने इस पहले अध्याय में पढ़ा भी था इस बात को,
गौर से समझा भी था कि संविधान को अंगीकार करने का मतलब क्या है, कि सत्ता को निरंकुश होने से रोकना, सत्ता की निरंकुशता पर किसी तरीके से रोक लगाना। आधुनिक राज्य एक अति की हद तक ताकतवर है, बिल्कुल है। आधुनिक जो राज्यों का स्वरूप है वो धीरे धीरे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में हो गए हैं, और आज जो दुनिया भर के राज्य है वो हर राज्य है वो अपने आप को दूसरे राज्य के मुकाबले अधिक शक्तिशाली पाना चाहता है, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को एक शक्ति संपन्न एक अधिनायकवादी देश के रूप में प्रस्तुत करता है। आधुनिक राज्य अति की धारणा की हद तक ताकतवर है। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। बल प्रयोग पर और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार, यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा? भले इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया जाता है, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती है। राज्य की शक्ति का दुनिया भर में अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्तियों अथवा समूह के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो अधिकांश राज्य क्या हो सकते हैं? तो अधिकांश राज्य, वो राज्य की शक्ति का दुनिया भर में अनुभव है, वो बताता है कि अधिकांश राज्य क्या करते हैं, जिनमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती है, राज्य का स्वरूप है वो अधिनायकवादी निरंकुश हो जाता है, और संविधान को वो अपने ढंग से तोड़ते मरोड़ते हैं, और उनका स्वरूप है संघात्मक की बजाय एकात्मक हो जाता है, जिसमें संविधान लचीला हो जाता है, और संविधान में आसानी से बदलाव करके समस्त शक्तियों, समस्त अधिकारों, समस्त सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, जैसे हम हिटलर और मुसोलिनी के रूप में जानते हैं। तो राज्य की शक्ति का दुनिया भर में हमें ये एहसास बताता भी है कि यह हमें बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों समूह के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम करते हैं। यदि ऐसा होता है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह से बनाना चाहिए। तो हमें सत्ता के नियम हैं उनको इस तरह से बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संविधान में ये बुनियादी नियम प्रदान करता है कि राज्य को निरंकुश बनने से रोकना है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष करता है। ये इसका पहला वास्तविक अनुभव भी है। जैसा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझा था। उनका मानना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक रूप मांग का प्रतिरूप है। जो आत्मनिर्णय की मांग है उसका एक प्रतिरूप है, आत्मनिर्णय की मांग है उसका एक प्रतिरूप है, उसका स्वरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होती हैं, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, उन जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बना गया संविधान है, संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। तो भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से भारतीय संविधान को बनाने का अधिकार है, भारतीय संविधान बना सकती है। दूसरे, पंडित नेहरू ने यह दलील दी थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों या योग्य वकीलों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि यह जनता का वास्तविक दर्पण है, क्योंकि इसे जनता ने चुना है। यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को खोल से निकाल कर अपने बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधन को तोड़ने के लिए हुआ है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है हमारा संविधान है। जैसा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस बात से वाकिफ थे, उनका भी मानना था कि संविधान है वो बाहरी रूप से बिना हस्तक्षेप के भारतीय जनता का सही प्रतिनिधित्व करता है, और संविधान निर्माण है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही होना चाहिए। और नेहरू जी ने ये दलील भी दी थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों, योग्य वकीलों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि यह राह पर चला रहा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचों की खोल से बाहर निकलता है और नए आवरण को पहनने की कोशिश कर रहा है। हमारा संविधान का निर्माण सामाजिक परंपरागत ऊंच नीच के बंधन को तोड़ने के लिए, जो सामाजिक ऊंच नीच है जिसमें सामाजिक स्तर पर सभी व्यक्तियों को बराबर माना जाए, उनके बीच धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, वर्ण, भाषा, नस्ल,
क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, समस्त बंधनों को तोड़ दिया जाए, सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़कर सभी के बीच में स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, और जो स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को, जो नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, जो समानता दी गई, समानता का अधिकार दिया गया है, और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के जो बुनियादी ढांचा है, जो बुनियादी संरचना है, जो बुनियादी तत्व है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का जो बुनियादी आधार है, उस आधार को अधिक मजबूत, अधिक तर्कसंगत और अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। भारतीय संविधान है वो, जैसा कि पंडित नेहरू जी ने दलील थी कि संविधान सभा जनप्रतिनिधियों योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं, बल्कि यह सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र की तरह है, जिसमें अतीत की राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की खोल से निकलकर अपने आप को बाह्य आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने के लिए और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और न्याय जैसे मूल्यों को, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, न्याय, जो हमने फ्रांस की क्रांति के जो बुनियादी सिद्धांत रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, बंधुत्व के भाव को हमने हमारे संविधान में निरूपित किया है। तो बेटा, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।